अयोध्या करती है आह्वान, गर्व से हो मंदिर निर्माण, अलग जगाने निकले नेता कार्यकर्ता धर्म सेवक। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की हुई बैठक, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। शाम टॉकी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 में भूमि पूजन कार्यक्रम, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के समक्ष युवाओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। और पातालेश्वर धाम में हल्दी कुमकुम मिलन समारोह, पवित्र भावनाओं के साथ प्रतिवर्ष होता है सुहागन सत्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भक्ति सा पावन कुछ नहीं, मंत्र ज्ञान योग तप यज्ञ जाप से भी बढ़कर अगर कुछ माना गया है तो वह है भक्ति। श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने का संकल्प लेकर नेता कार्यकर्ता धर्म सेवक भक्तों का जत्था घरों घर जाकर निर्माण निधि राशि एकत्र करने में जुट गया है। श्री राम भक्त धर्म सेवक समाज सेवी पंडित रमेश पोफली के साथ राम भक्त संकल्प पूरा कर रहे हैं। आज श्री राम बस्ती श्री राम मंदिर छोटा बाजार के इस मध्य क्षेत्र में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, उसको लेकर समाज के सभी बंधुओं को आग्रह पूर्वक और उनको पूरे कार्यक्रम का स्मरण कराते हुए और धन संग्रह अभियान हम लोगों ने चलाया है। आज हम सभी लोगों से बड़ा बड़ा धन संग्रह 5100 से लेकर अधिक तक का धन संग्रह करने का और हमारा अभियान यह चल रहा है, जिसमें लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग बड़े उत्साह के साथ इस धन संग्रह में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि श्री राम का भव्य देव मंदिर, जिसके लिए लंबे समय तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी और अब वह 2-3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और फिर जब हम अयोध्या जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने इस मंदिर को बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। इसी आधार पर और यह अभियान बहुत अच्छे ढंग से और लोगों के स्वस्फूर्त सहयोग से चल रहा है और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। भगवान श्री राम निश्चित रूप से हम सभी के प्राण हैं, हमारी आत्मा है और उनके निर्माण के लिए या कार्य मंदिर निर्माण के लिए जो कार्य चल रहा है उसमें हमें आजादी सफलता प्राप्त हो रही है। जय श्री राम। श्री राम मंदिर निर्माण निधि के लिए राशि एकत्रीकरण हेतु सुंदर भव्य रथ गुलाबरा पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने स्वागत वंदन कर राशि समर्पित की। निधि समर्पण हेतु आएगी। कुछ रुपया दे दे रे भैया राम लला के नाम पर। आपके द्वार निधि समर्पण हेतु आएगी। आप अपने शुभ एवं मुक्त हाथों से निधि समर्पण कर पुण्य लाभ अर्जित करें एवं रसीद प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने हेतु श्री राम भक्तों की टोली आपके द्वार निधि समर्पण हेतु आएगी। वार्ड क्रमांक 17 शाम टॉकी क्षेत्र में आज सांसद एवं विधायक निधि से होने जा रहे विकास मूलक निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने भूमि पूजन कर सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर कई युवा ऊर्जावान चेहरों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
ये लग रहेंगे। पीछे पीछे करो ना, हाथ आते नरेश मालवीय जी से वो अनुरोध है कि भैया का स्वागत करेंगे। आदरणीय राजू महाराज जी से भी अनुरोध है, छुट्टिया भैया से अनुरोध है, आदरणीय अरुण शर्मा जी से अनुरोध है। दीपक भाई ने उनका पुष्प माला से स्वागत किया। भाई सौरभ सराठ इसी के साथ बात सीधी सीधी है, जहाँ कमलनाथ जी नकुलनाथ जी हम लोगों की बात थी, आप सबके सहयोग से आपके प्यार से मैं चुनाव जीता, कमलनाथ जी जीते नकुलनाथ जी जीते। सरकार बनी 11-12 महीने मौका मिला, 2-3 महीने आचार संहिता में चले गए। कमलनाथ जी के दिमाग में भरा हुआ था कि पहले जो काम छिंदवाड़ा में कभी हो नहीं सकते थे, करीब 20,000 करोड़ की योजना है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा देने की मंजूर करके उनको प्राथमिकता दी। वो व्यक्तिगत काम बाद में करना चाहते थे, 1-1.5 साल बाद व्यक्तिगत काम जो लोगों के वो कर लो, पहले बड़े बड़े काम करा दूँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, चाहे उसमें टेक्सटाइल पार्क की बात हो, हमारा फूड पार्क की बात हो, जो लेगड़ुआ में और यहाँ कुछ मेरी अपने यूनिफाइन मोती मर रहे थे, इसी तरह यूनिवर्सिटी की बात हो, हमारा मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, छिंदवाड़ा का सर्वांगीण विकास पेंच प्रोजेक्ट कल्याण परियोजना जो करीब 8,000 करोड़ की थी, इस तरह की जो योजनाएं कभी हम सोच नहीं सकते थे वो कमलनाथ जी ने पूरी मंजूर करा के हमें दी। जहाँ गरीबों की बात है, बिजली का बिल सबको केवल 100 रुपये कर दिया गया था, साथ साथ पेंशन की राशि दोगुनी कर दी गई, 600 रुपये कर दी गई थी, गरीबी रेखा में नाम की बात हो, राशन में गरीबों को अनाज मिलने की बात हो, हर चीज़ पर नियंत्रण था। तो ये कहने और करने में जो अंतर वो सोचने और समझने का, बात होती स्वाभिमान की, मांगने वाला और देने वाला, एक स्थिति आती है कि हम भिखारी की जैसे माने, ये हम दानदाता बने देने वाले बने। हमेशा छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का और कमलनाथ जी का साथ दिया है। मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि महापौर आरक्षित वर्ग का है, हमारा आदिवासी सीट होगी, आदिवासी भाई हमारा महापौर का चुनाव लड़ेगा, जितने पार्षद हैं वो सब आपके क्षेत्र में आरक्षण के आधार से आपके मंशा से जो मोहल्ले वाले चाहेंगे उनको हम लोग टिकट देंगे, जिताना आपको, जब तक आप उनको सहयोग नहीं करेंगे वो चुनाव नहीं जीत सकते। आज सारी स्थिति को देखते हुए अगर महापौर हमारा बनता है तो आपने जैसा पिछली बार देखा था कि हमको पानी देने की समस्या थी, छिंदवाड़ा में पीने का पानी नहीं मिला, कमलनाथ जी ने 20 करोड़ रुपये अलग से दिए, जो माचागोरा का पानी दिवाली के बाद नवंबर में मिलना था वो हम सबको जून में मिला, गर्मी में पानी मिला, सबके हर पूरे पानी की पूर्ति हुई। हम जब चुनाव पारित कर रहे थे हम खुद डरते थे कि आपको हम पानी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, आज पूरा पानी देने के बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिला, ये हम लोग अपनी खुशी की बात थी, आपके आशीर्वाद से हम इतने सक्षम कमलनाथ जी कारण बने कि हमने आपकी पूर्ति कर पाए। तो ये आपको सोचना और समझना, मेरा आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब कांग्रेस के साथियों को जिता के नगर निगम छिंदवाड़ा का बनाएंगे, और जो भी अधूरे सपने रह गए, जो काम कमलनाथ जी व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर पाए, उन कामों को आप पूरा करने का हमारी पूरी टीम, तिवारी जी, में विश्वनाथ, हमारे मनीष, गुरेंद्र भैया, नरेश साहू, जाकिर पांडे जी, रजनीश भैया, सब सब मिलकर, पूरी टीम आपके साथ मिलकर, जो अधूरे सपने रह गए थे, अधूरे काम थे, उनको पूरा करेंगे। आपसे ये निवेदन कि आप कांग्रेस का साथ दें, हम पैसा नहीं दे पाएंगे लेकिन इज्जत और काम हम आपको देंगे, ये आपसे वादा है। आप सबने प्यार और साथ दिया तो मुझे सुना उसकी जगह चाहिए। हमारे उपस्थित बहनों भाइयों तथा प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपके क्षेत्र में आज माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी की ओर से आपके क्षेत्र के लिए सड़क शौचालय और अन्य रिपेयरिंग वर्गों के कार्यों के लिए आपके क्षेत्र में 2 लाख की राशि दी गई है। आप सब जानते हैं कि छिंदवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा में जो गति जो आई थी वो ऐसी गति थी जो छिंदवाड़ा 50 साल आगे चला जाता। पूर्ण वार्ड है और इस वार्ड ने पूरे नगर को हमेशा नेतृत्व दिया है। ओपी जी ने जैसे बताया वार्ड नंबर 17 ने पिछले पार्षद चुनाव में ये बात साबित कर दी थी कि यहाँ की कांग्रेसी अगर एकजुट हो।
आज छिंदवाड़ा शहर में बहुत दिनों से काम लंबित पड़े हुए थे सांसद विधायक निधि के, उनके जो पुराने काम थे उनकी सबकी आज हम लोगों ने भूमि पूजन करके और मोहल्ले के लोगों से चर्चा करके साथ साथ जो सरकार की नाकामी है, जो आम जनता परेशान हो रही है, इन सब लोगों की बातों को लेकर चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सबके सहयोग से छिंदवाड़ा नगर निगम कांग्रेस का कमलनाथ जी का बनेगा। कितने लाख का भूमि पूजन में सत्तर मिला? हम लोगों को सब मिला के तो करीब 1 करोड़ का होना है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रवार अलग अलग है, कहीं 2 लाख का कहीं 5 लाख का, जैसी स्थितियाँ हैं सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में 1 करोड़। युवती को फुसलाकर देह व्यापार में लिप्त करने और राजस्थान ले जाकर उसे 3 लाख में बेचने की वारदात में लिप्त 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी की रात कुछ गिरफ्तारियां शहर की पॉश कॉलोनियों से भी हुई है, ऐसा ज्ञात हुआ है। थाना चांद क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक लगभग 30 वर्षीय महिला का गुम इंसान प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसके बाद से लगातार पुलिस उस गुम महिला की तलाश विभिन्न स्थानों पर करती रही थी, परंतु उसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। हाल ही में पुलिस को एक बड़ी सफलता उस महिला को दस्तयाब करने में प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला को राजस्थान के भीलवाड़ा स्थान से एक व्यक्ति के चंगुल से मुक्त कराकर प्राप्त किया गया है और इसमें जो बात सामने आई है उसके अनुसार महिला को लगभग 3-4 लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक विक्रय करने के उद्देश्य से यहां से ले गए थे और उसको फिर राजस्थान में एक व्यक्ति को विक्रय कर दिया था। लगभग 3 लाख रुपए की राशि इसमें हस्तांतरित हुई थी। पुलिस ने इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस गुम इंसान प्रकरण से पुलिस ने इसमें धारा 370 का 363 और 366 अन्य धाराओं अपराधी पंजीबद्ध किया है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला सतर्कता एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। अग्रणी बैंक प्रबंधन की ओर से राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर बैठक में जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सीबीआई चांद 261 में 127 किया है, 134 का इनको गैप है, ये करने लायक है, 53 का और करने लायक है, इसको देखेंगे। उसके पास पर्याप्त केस है, उनके पास 314 केसेस है, सैंक्शन हो गए, कमीशन हो गया है, कोई भी नहीं है, कोई भी किसी अब देश पांडे जी इसलिए नहीं आ पाएंगे तो बैसूर में होंगे। अलाहाबाद बैंक तिगांव 147 के पेपर रह गए हैं, केसेस हैं कि सब बहुत सारे। NPGB 120 में 56 या 64 रहे हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा छिंदवाड़ा में 385 हुआ है एक राउंड में। रिंग रोड में अव्यवस्थित फैलती जा रही फुटपाथ दुकानों के उचित व्यवस्थापन की मांग को लेकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने निगम को ज्ञापन सौंपकर छोटे दुकानदारों की समस्या का समाधान मांगा। 10-20 वर्षों से वहाँ पे अपना चौपाटी का धंधा करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आज क्या रोड बनने के कारण इनको हटाने की नौबत आ गई। इनके वहाँ बच्चों को जो काम थे, जो बेचारे भर पेट खाना खिलाते थे, इन लोग उसमें रोजी अपनी मेहनत की कमाई करके वहाँ से जो कमाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, आज इनके ऊपर गाज गिर गई है। आज हमने आयुष मोदे और कार्यपालन यंत्री से मिले हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इनको व्यवस्थापन किया जाएगा। अगर इनका व्यवस्थापन नहीं किया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जय जय कमलनाथ। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिले के सांसद नकुलनाथ जी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगा तिवारी जी, श्यामा देवी चंदेल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को, जिले वासियों को और वार्ड नंबर 15 के वार्ड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। ज्वाइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से।
मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से, धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। ज्वाइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। ज्वाइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रुपए की अब मात्र 195 रुपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीस में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रुपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रुपए में। सो कैपरी आपको यहां पर मिल रही थी 1245 की, अब मात्र 95 रुपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गवर्नमेंट सेल, वेंकटेश माल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है, और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है, और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रबान सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खेल प्रेमी, समाज सेवी इंद्रजीत सिंह बैस, पूर्व सभापति भाजपा नेता अभिलाष गौहर, ख्यातनाम पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक सुभाष चांद, जोनल सदस्य सत्येन ठाकुर एवं PTI जावेद खान सहित समिति सदस्य मौजूद थे। बाकी बातचीत करेंगे, बातचीत करके परमानेंट 2 लाख रुपए। क्या हुआ था पिछले बार की आपको मैं बात बताता हूँ। भैया भी थे, बोलने वाले की नहीं है, बिल्कुल हम कराते। उस दिन ही मैंने बैठक में बोला हूँ कि अगर आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे तो सिर्फ एक ही दिल्ली में जो करती है जी, पैसे से नहीं होगा। अपन को उसके साथ व्यक्ति पूरे जो है वो घूम घूम के प्रचार करें, अभी मनाए कहीं मनाया है हॉकी संघ की। यहाँ पर बैठक संपन्न होने जा रही है और इसमें हॉकी को फिर से अच्छे उमंग उत्साह के साथ और अच्छे खेल के रूप में इसको हम फिर से लाएं, इस पर चर्चा विचार विमर्श चल रहा है। और उसमें हमने ये सब तय किया कि एक परमानेंट हमारे पास बजट हो जाए ताकि धन का अभाव ना हो, एक अलग से हॉकी का ग्राउंड बने, उसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। एक हॉकी बहुत भारत का परंपरागत और पुराना राष्ट्रीय खेल है, चूँकि इसमें ध्यान नहीं देने के कारण ये खेल पिछड़ गया और दूसरे खेल आगे बढ़ गए। पुनः हॉकी स्थापित हो और जिले में सर्वश्रेष्ठ खेल के रूप में हॉकी स्थापित हो, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक बात और जो आई खास करके आपके खेल महोत्सव के बारे में, पिछले 3 वर्षों से खेल महोत्सव अनन्य कारणों से नहीं हो पाया, मगर भगवान की कृपा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है,
तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ शहर के सभी खिलाड़ियों को कि इस बार हम खेल महोत्सव हर हालत में कराएंगे और जैसा पहले कराते थे उससे ज़्यादा भव्य और अच्छा ढंग से हम खेल महोत्सव को इस साल करेंगे। और अभी से हमारे इंद्रजीत भाई, जावेद भाई, सारे साथी सहयोगी हैं, अभी से उनकी तैयारी वो शुरू करें। निश्चित समय में जो हम दिसंबर में वो खेल महोत्सव कराते थे तो उसको हम कराएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण खेल महोत्सव के कारण शहर के अंदर बना था। खिलाड़ी बड़ी संख्या में गांव-गांव के अंदर में निकले थे और इसलिए पुनः उसको हम प्रारंभ करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और आप सभी उसमें सहयोग करेंगे। मैं सभी हमारे जो भाई जावेद भाई रिटायर हो गए, नावेद भाई रिटायर हो गए, अब ये भी खेल से जुड़ेंगे, अच्छे पुराने हमारे साथ पढ़े हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। ये खेल एक ऐसा विषय है कि आदमी को स्वस्थ रहने के लिए इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ या मत जाओ, पर खेल के मैदान में आप जरूर जाए। तो खेलो इंडिया, खेलो इंडिया वाली जो बात है, खेलें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं सभी युवाओं से, सभी खिलाड़ियों से, सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि वो खेल के प्रति जागरूक हों और खेल के खुद भी स्वस्थ रहें और देश को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। छात्राओं की फीस माफी की मांग को लेकर स्टूडेंट लीडर रेशमा खान ने ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट किया कि अगर जल्द समाधान ना मिला तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन दे रहे हैं कि छात्राओं की फीस माफ करें, क्योंकि जबरदस्ती सरकार जो है वो फीस ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जबरदस्ती युवा उत्सव गैदरिंग स्पोर्ट जो काम कॉलेज में हुआ नहीं है, कोविड-19 के तहत कहा कि आप लोग की फीस नहीं लग रही, 500 में प्रवेश ले लिए। छात्राओं को गुमराह किया गया है कि आप लोग प्रवेश लीजिए, आप लोग से पैसे नहीं ले रहे हैं और 500 में एडमिशन दे दिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पूरी फीस दो। अगर फीस नहीं रहते तो लाइब्रेरी में बुक, टीसी, टेस्ट अन्य सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही है। तो हमारा बस यही मांग है कि जब कुछ कॉलेज में कुछ प्रोग्राम नहीं है, कोई गतिविधि नहीं है, तो किस लिए फीस ले रहे हैं। हमारी बस यही मांग है कि छात्राएं इतने पैसे नहीं दे सकती। किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, कोई के पापा काम करते हैं, कोई के दो बहने, तीन बहने, 12-12, 15-15 हज़ार कैसे पैंट चुकाएंगे, क्योंकि एक बच्चे की फीस कहीं 8,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000 है। तो हमारी बस यही मांग है कि इन फीसों को हटाए, केवल ट्यूशन फीस ले, अन्यथा छात्र महासंघ इसका विरोध करेगा। हम बार बार पेपरों के माध्यम से, अखबारों के, टीवी के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि छात्राओं की फीस माफ करें, लेकिन हमको कोई जवाब नहीं मिला। अभी हम लोग कलेक्टर सर के पास जा रहे हैं, आज हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, अगर फिर भी बात नहीं बनती तो कल हम उच्च मंत्री का घेराव करेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहर के सम्माननीय किन्नर संगठन द्वारा पातालेश्वर धाम में हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया गया। किन्नर लोगों हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हड़ताल करवाते हैं, ये 5वां वर्ष है और सभी का इसमें स्वागत है, महिलाओं का हल्दी कुमकुम में। ये सब सुहागनों के लिए है जिनके सुहाग अमर रहें,
चिड़िया भी से अमर रहे, उनके कमाने वाले जिए, उनके बच्चे खुश रहें, उनके बाल गोपाल ये सब सुहागनों के लिए किया जाता है, ये उनका सुहाग बना रहे। यहाँ पर सभी किन्नरों की ओर से हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें ये रानू किन्नर जो ये पांचवा वर्ष चल रहा है, ये पांचवा वर्ष में ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करा रही हैं। सभी जगह की मतलब सभी जगह की जो महिलाएं हैं वो आकर यहाँ हल्दी कुमकुम को लेती हैं और वो सभी को आशीर्वाद देती हैं। एक अच्छा और बढ़िया एक सफल कार्यक्रम रानू किन्नर के द्वारा यहाँ पर हल्दी कुमकुम का किया जाता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें भजन अजन और उसके बाद प्रसाद वितरण और हल्दी कुमकुम दे के सभी का सौभाग्य अमर रहे, ऐसी वो कामना करती हैं और ऐसा वो आशीर्वाद सभी को देती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वार्ड क्रमांक 29 श्री सिंहवाहिनी पद्मा देवी मंदिर में कहार समाज की महिलाओं ने हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया। नमस्कार, हम मेरा नाम नंदा वर्मा है और हमने सभी महिलाओं की सहायता से मतलब ये कार्यक्रम को पहली बार मतलब स्टार्ट किया है और मैं कुमकुम हल्दी का कार्यक्रम है। ये हमारे डिमरी मोहल्ले में ये पद्मा देवी मंदिर में हमने ये कार्यक्रम को शुरू किया है। पहली बार है और हम इसको मोड़ नहीं करेंगे, हर साल इसको इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम में क्या क्या होता है? कार्यक्रम में कुमकुम हल्दी लगाते हैं, सबकी होली भरते हैं। पहले हमने माता रानी की होली भरी, उसके बाद में हमने सभी महिलाओं को कुमकुम हल्दी लगाकर उनकी भी होली भरी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत तारण तरण भवन से सामाजिक बंधु बांधवों के कार्ड निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। आज विद्वत्रा समाज श्री पंडित जयचंद जी साहब की पुण्य स्मृति में तारंतरण समाज के लिए ये श्री मनीष कुमार जी, अंशुल गोयल एवं उनकी टीम ने यहाँ फ्री में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड का यहाँ कैंप लगाया है, जिसमें समाज के सभी लोगों के यहाँ आयुष्मान कार्ड बनना है। ये निःशुल्क व्यवस्था है और इसके बहुत सारे लाभ है। प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत योजना आती है, इसमें सभी को लाभ है। आनंद हॉस्पिटल वगैरह जो भी अच्छे प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सुविधाएं उपलब्ध होगी। सभी लोगों से निवेदन है कि वे भी आएं और अपना आयुष्मान कार्ड यहां आकर बनवाएं। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या करती है आह्वान, गर्व से हो मंदिर निर्माण, अलग जगाने निकले नेता कार्यकर्ता धर्म सेवक। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समीक्षा समिति की हुई बैठक, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने दिए दिशा निर्देश। शाम टॉकी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 17 में भूमि पूजन कार्यक्रम, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के समक्ष युवाओं ने ज्वाइन की कांग्रेस।
और पातालेश्वर धाम में हल्दी कुमकुम मिलन समारोह, पवित्र भावनाओं के साथ प्रतिवर्ष होता है सुहागन सत्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।